गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास टू की साइंस और आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिए जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। और आप लोग वीडियो देखकर चले जा रहे हो लेकिन आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कैसे समझूंगा कौन लगातार प्रेजेंट है कौन लगातार एब्सेंट है? तो बहुत ज़रूरी है आपका कमेंट करना। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ये मुझे बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। और जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछो, वो आपसे पूछा जाएगा। और दूसरी नंबर बात कि आप लोग की एक कंप्लेन आती है कि वीडियो क्वालिटी दिख नहीं रहा है सर, जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है। तो आप लोग वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। जो वीडियो क्वालिटी है ना उसको आप लोग अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, यानी कि 360 की स्पीड पर रखिए। ठीक है, 360 की स्पीड पर रखिएगा ना, 360 की क्वालिटी पे, तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सब सब अच्छे से नजर आएगा। अब आप 144 की स्पीड पर देखते हो जो कि नेट बचाना आपको लगता है, तो वैसी गलती नहीं करना आपको, 360 की स्पीड पर देखना है। ठीक है, 360 की क्वालिटी पर, और 360 की क्वालिटी पर देखिएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है कि आप वाकई क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं, या फिर आपने क्लास देखा और फिर चल दिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार क्लास लेना है और अटेंड करना है। ठीक है, और अपना अटेंडेंस ज़रूर बनाना है। मोर अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, प्लांट्स मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, प्लांट्स कैन ग्रो एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट, इन द गार्डन्स, नियर पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। प्लांट्स जो होता है वो सब जगह होता है, आप जहाँ भी नजर अपना पसारोगे, ठीक है, आप चारों तरफ नजर उठा के देखो, सब तरफ आपको प्लांट्स नजर आएगा। ये प्लांट्स होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, जितना हम इनके लिए हेल्पफुल होते हैं उससे और वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हम भी उनके लिए हेल्पफुल होते हैं और वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। प्लांट्स जो होता है वो आप हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स आप देखेंगे दो तरीके होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरा होता है आपको एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो आप लैंड पे होते हैं, लैंड पे कहीं भी हो सकते हैं, डिजर्ट पे, प्लेन्स पे, हिल्स पे, माउंटेन पे, है ना, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में काउंट होंगे। एक्वेटिक प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स आपको वाटर में ही होते हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो सब वाटर में होते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि करीब करीब 85% ऑफ प्लांट्स जो है, ठीक है, 85% ऑफ प्लांट्स जो है वो आपको पानी के अंदर ही है। ठीक है, और जो आपको नजर आ रहा है ना पूरी दुनिया में जंगल वगैरह सबको मिलाकर, वो केवल और केवल 15% ही है, वो केवल और केवल 15% ही है। और आपको जो नजर नहीं आ रहा है करीब करीब 85%, ठीक है, 85% जो है वो आपको पानी के अंदर है, वो आपको पॉन्ड के अंदर है, वो आपको रिवर के अंदर है, ठीक है, वो आपको सी के अंदर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ये सब अंदर है।
मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अराउंड अस, हमारे आसपास में बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। नीम प्लांट्स है, मैंगो मैंगो ट्रीज, नीम ट्रीज है, मैंगो ट्रीज है ना, और बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप रोज प्लांट को देखेंगे, आप मैरीगोल्ड प्लांट को देखेंगे, आप कोकोनट ट्री को देखेंगे, तो ये आप सबको देखने के लिए बहुत मिलेगा। सम एनिमल्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर। हमने अभी बताया है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में होते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो लैंड पे होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स वाटर में होते हैं, कुछ प्लांट्स लैंड पे होते हैं। सबका अपना अपना एडेप्टेशन होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो वाटर में होते हैं, वाटर में होते हैं वो लैंड में नहीं हो सकते, और जो लैंड में होते हैं वो वाटर में नहीं हो सकते। लेकिन इस दोनों कंडीशन में इनको का इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको किसी भी कीमत पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जो लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, तो ये प्लांट्स इन प्लांट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। और जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट वाटर के अंदर होते हैं, तो उनको इक्वेटिक एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसी में जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वही उनको प्राप्त होता है, उस प्लांट्स को वहीं से प्राप्त होता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लैंड प्लांट्स होते हैं, तो उन सबको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रीज, ट्रीज जो होता है वो बड़ा होता है। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, वे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टीम कॉल्ड ट्रंक। उसके जो होता है हार्ड स्टीम ट्रंक होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, हार्ड स्टीम और ब्रांचेस होते हैं जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, ठीक है। काफी मोटा होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में, गांव की भाषा में सिल्ला भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कितना मोटा सिल्ला है। तो ये सभी उन्हीं के पार्ट्स है जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। पीपल, मैंगो, नीम एंड ओक आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। पीपल, मैंगो, नीम, ये सब जो है इसके एग्जांपल है ट्रीज के, ये सब ट्री होते हैं। कोई भी किसी बच्चे को सुनोगे या किसी भी आदमी के मुंह से सुनोगे, ये वो यही बोलते हैं कि मैंगो ट्री है। मैंगो प्लांट कोई नहीं बोलते हैं, ठीक है, प्लांट, क्योंकि वो जब बेबी होता है ना तब उसको कहते हैं मैंगो प्लांट, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो जाता है और वो बहुत सालों तक बड़ा ही रहता है, जब तक उसको काट के हटाया ना जाए, ठीक है, तब तक बहुत सालों तक वो बड़ा ही रहता है, तब उसको हम लोग जाकर जो है मैंगो ट्री कहते हैं। तो ये सब बड़े होकर ही फल देना शुरू करते हैं, इसको प्लांट में काउंट नहीं किया जाता, प्लांट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो पीपल हो गया, नीम हो गया, ओक हो गया, फिर से मैंगो हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं ट्रीज के, ठीक है, इन सभी को हम लोग ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे जो है एक वार्म अप में दिया हुआ है पेज नंबर 7 में ही, राहुल हैज ऑल दीज प्लांट्स इन हिज गार्डन। राहुल है जिनके पास वो सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बट ही इज कंफ्यूज्ड, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। कैन यू प्लीज हेल्प हिम आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर दीज, क्या आप लोग हेल्प कर सकते हैं पहचानने में कि ये कौन किस टाइप के प्लांट्स हैं। तो जो खड़ा है वो ट्री है, जो आप अंगूर का देख रहे हैं वो क्रीपर्स है, ठीक है, सॉरी क्लाइंबर्स है ना। जो आप फ्लावर्स के देख रहे हैं रोज, ये सब आपको शब्द कैटेगरी में आते हैं।
जो आप वाटर मेलन के देख रहे हैं वो सब क्रीपर्स हैं, वो सब जमीन पर अलोंग द लैंड होते हैं, ठीक है, जमीन पर होते हैं। तो हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे शर्ब्स के बारे में, ठीक है, SHRUBS, शर्ब्स के बारे में। प्लांट्स दैट आर शॉर्ट एंड बुशी आर कॉल्ड शर्ब्स, दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स। जो प्लांट्स शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और बुशी झाड़ीदार होते हैं, दे आर नोन एज शर्ब्स, और इनके इसके जो है वुडी स्टीम होते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब लकड़ी जैसे इसके स्टीम होते हैं, तो और इसके स्टीम को आप आसानी से तोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा अगर मोटा ना हो तो इनके स्टीम को आप आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन जो ट्रीज का जो स्टीम होता है उसको तोड़ा नहीं, उसको काटा जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस, जास्मीन एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ श्रब्स। रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, जास्मीन हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं शब्द के, इन सब की आयु 5 साल, 6 साल, ठीक है, 10 साल, इन सब के करीब होती है, ये सब शब्द है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं शब्द के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हर्ब्स में। हर्ब्स आर यूजली वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स जो होता है वो यूजली बहुत स्मॉल प्लांट्स होता है, दे हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स, उनके पास जो ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं मिंट, कोरिएंडर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, और इसके जो स्टीम होते हैं वो वूडी नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आप कोरिएंडर के आप लीफ को देखेंगे उसको आप आसानी से ऐसे करके तोड़ सकते हैं, है ना, तो इसके जो स्टीम्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है, वो इतने ही मजबूत होते हैं क्योंकि प्लांट के पार्ट्स को संभाल सके, बस इतने ही लीफ होते हैं, इतने ही मजबूत होते हैं, लेकिन उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ना तो चाहिए नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। सम हर्ब्स आर यूज इन फूड, है ना, एंड फॉर मेकिंग मेडिसिन, कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो फूड में यूज किया जाता है और कुछ मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि आप कोरिएंडर लीव्स को ले लीजिए, ठीक है, वो हमारे खाना में, हमारे जो भोजन है उसमें स्वाद को बढ़ा देता है, है ना, उसके जो लीव्स होते हैं वो स्वाद को बढ़ा देता है, तो ये बात इनसे हो गई। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा शर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज के बारे में। एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि रिवीजन क्लास चल रहा है तो उसको इग्नोर करना है, हम तो पढ़े हुए ही हैं, हम क्या पढ़ें दोबारा। तो कलाम साहब ने कर रखा है कि आप 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए, ठीक है, तो आप रिवाइज जितना अच्छा से करोगे आप उतने ही मजबूत होगे, ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो चीज़ें उतनी आसान आपके लिए हो जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है रिवाइज करना, है ना, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक वैसे ही तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, इसका रिवाइज करते रहिए, इसका रिविजन करते रहिए, ये आपको परफेक्ट बना के नहीं छोड़ेगा, ये नहीं कि क्लास शुरू हुआ अटेंडेंस बनाए और निकल लिए, तो ऐसा नहीं करना है, ये सब मैं आप ही सभी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो स्कूल कर रहा है वो सब आप ही लोग के लिए कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है आपका क्लास अटेंड करना, और आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट कीजिए जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम्स दिख रहा है, अगर वो प्रॉब्लम्स वहाँ पर समझाने लायक हुआ तो समझा दिया जाएगा, और नहीं तो फिर अगले क्लास में उसको डिस्कस कर दिया जाएगा, तो मैं सारे के कमेंट देखता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे क्लियरिटी मिल सके, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग कहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसको आप लोग करते रहिए रिवाइज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं कुछ और आगे रिविजन के साथ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।